लो बजट लोगों के लिए 1.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम कितने रुपए में लगेगा? तो आपने कई सारी कंपनियों के बहुत सारे इन्वर्टर, बैटरीज, पैनल देखे होंगे और कई बार आप उन्हें लेने का प्लान भी बना रहे होंगे, पर आपके साथ में समस्या ये बनती है कि जो सिस्टम आप लेना चाह रहे हैं क्या वो सिस्टम इतना पावरफुल है कि आपके घर के पूरे लोड चला दे? दूसरा, क्या वो सिस्टम इतना इकोनॉमिक है कि आपके बजट में फिट होता हो? तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको 1.5 किलोवाट का एक ऐसा सोलर पैक बताने जा रहा हूं जिस सोलर पैक की कीमत तो है सबसे कम, फीचर्स की मैं बात करूं तो सेम कैटेगरी में अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा फीचर आपको इस पैक में देखने को मिलते हैं। सोलर जनरेशन की मैं बात करूं तो साल के 365 दिन इस सोलर पैक से आपको जनरेशन जीरो नहीं मिल सकता है। और अगर मैं पावर की बात करूं तो ये पैक इतना पावरफुल है कि आप ये एयर कंडीशनर देख रहे हैं, ये पैक एयर कंडीशनर को भी चला सकता है। तो क्या आप यकीन करेंगे कि 1.5 किलोवाट के सोलर पैक से फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, पंखे सारे चला पाएंगे? और कीमत की बात करूं तो कीमत इतनी कम कि आप यकीन नहीं करेंगे। वारंटी की बात करूं तो 30 साल की वारंटी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको सोलर सिस्टम बताने जा रहा हूँ ये ऑफ ग्रिड है और ये उन लोगों के लिए है जिनको ग्रिड एक्सपोर्ट नहीं करना है। तो बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जो ऑफ ग्रिड सिस्टम होते हैं वो बिजली के साथ में नहीं चलते हैं, केवल सोलर और बैटरी से ही चलते हैं। पर ये जो सिस्टम है ये आपका ग्रिड, बैटरी और सोलर तीनों से चलेगा। सिर्फ ग्रिड एक्सपोर्ट आप इस सिस्टम में नहीं कर सकते हैं, मतलब कि अगर सरकार को आप बिजली बेचना चाहें तो आप सरकार को बिजली नहीं दे पाएंगे, वरना आप अपने घर में अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से ग्रिड, बैटरी और सोलर तीनों के साथ में अपने पूरे घर का लोड 24 घंटे चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले किसी भी सोलर पैक में जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मैंडेटरी चीज होती है वो होता है उसका सोलर पैनल। तो सोलर पैनल क्या है कि सोलर पैनल की वारंटी सबसे ज्यादा होती है, मेंटेनेंस सबसे कम होता है और सोलर पैनल एक ऐसी चीज है जो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए लगती है। बैटरी आप चाहें तो सस्ती डाल सकते हैं क्योंकि बैटरी 2-4-5 साल बाद आप चेंज कर लेंगे, पर पैनल चूंकि 25 से 30 साल तो वारंटी होती है तो पैनल हमेशा आप ए ग्रेड क्वालिटी का लें, वो सबसे बेस्ट ही पैनल चूज करें। पैनल में कभी भी सस्ते के साथ में कंप्रोमाइज आपको नहीं करना चाहिए। तो ये जो पैनल मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस पैनल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि 1 किलोवाट सोलर पैनल 5 से 6 यूनिट के बीच में आपको साल के 320 दिन आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो वहां पे दे सकता है और इस बात की नेक्सस वारंटी करता है। बाकी किसी कंपनी का अगर आप सोलर पैनल लेने जाएंगे तो आपको ये गारंटी नहीं मिलेगी कि 5 से 6 यूनिट आपको दे दे। नॉर्मली जो पैनल्स होते हैं वो 4 से 5 यूनिट के बीच में जनरेशन करते हैं, पर ये पैनल से आपको 5 से 6 यूनिट पर किलोवाट का जनरेशन मिल जाएगा। साल के 365 दिन ऐसा कोई दिन नहीं कि जिस दिन आप इस सोलर पैनल का प्रोडक्शन जीरो कर सकें, इस बात की भी नेक्सस वारंटी करता है। यह है नेक्सस का 580 वॉट का बायफेशियल सोलर पैनल और ये सोलर पैनल नॉर्मल सोलर पैनल की तरह नहीं है, जैसे कि आपने नॉर्मल सोलर पैनल देखे होंगे 10 बस बार का। ये सोलर पैनल एन टाइप के जर्मन सोलर सेल्स से मिलकर बना है और हाफ कट सोलर सेल्स की टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। इस पैनल पे इंडिया में पहली बार आपको 30 साल की वारंटी मिलती है और इस पैनल के बारे में जैसे मैंने आपको अभी बताया, नेक्सस का दावा है कि आप इस पैनल का प्रोडक्शन जीरो नहीं कर सकते हैं। आप आज पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर चेक कीजिएगा, जिसमें इस पैनल को मैंने भयानक कोहरे में भी टेस्ट करके दिखाया है, लो लाइट में टेस्ट करके दिखाया है और बिल्डिंग के अंदर भी ले जाके इस पैनल को मैंने टेस्ट करके दिखाया है। हर सूरत में इस पैनल का प्रोडक्शन मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिला, इस पैनल का प्रोडक्शन जीरो नहीं हुआ। तो आप मेरे वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, नॉर्मली आप 1.5 किलोवाट का अगर आप सोलर सिस्टम लेंगे तो उसके अंदर आपको 1.5 से 2 किलोवाट का पैनल मिलेगा जिसका जनरेशन जो है वो आपको 7 से 9 यूनिट के बीच में मिलता है। तो इस पैक में हम आपको नेक्सस के ये 2 बायफेशियल पैनल ऑफर कर रहे हैं और इन 2 बायफेशियल पैनल से आपको हर रोज करीब 5 से 7 यूनिट के बीच में जनरेशन मिल जाएगा। तो अगर महीने वाइज में बात करूं तो करीब 200 यूनिट का जनरेशन आपको मिल जाता है और जो लोग 1 से 1.5 किलोवाट का जिनके लोड होते हैं उनके लिए इतना जनरेशन काफी है। अगर इससे ज्यादा भी आपके लोड है, मतलब महीने में आपके अगर 200 यूनिट से भी ज्यादा लोड है तो आप इसमें ग्रिड भी डाल सकते हैं, ग्रिड का भी ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है। तो किसी इमरजेंसी कंडीशन में आप ग्रिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी आपको इस्तेमाल करने के लिए बैटरी बैंक भी इस पैक में मिलता है और सोलर भी आपको मिल रहा है। तो 90% तो आपके जो पावर बिल्स हैं वो इस पैक से खत्म हो जाएंगे,
और 10% के इमरजेंसी कंडीशन में आप थोड़ा बहुत ब्लेड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो बायफेशियल पैनल 30 साल की वारंटी के साथ में आपको इस पैक में मिलते हैं। अब दूसरा जो इस पैक में आपको मिलता है, यह आप मेरे सामने देख रहे हैं, यह है नेक्सस की C10 सोलर बैटरी। और ये बैटरी भी बहुत स्पेशल बैटरी होने वाली है। आप ये कह सकते हैं कि लिथियम के जमाने में मैं लेड एसिड बैटरी की बात आपसे कर रहा हूं, तो ऐसा क्यों कर रहा हूं? तो फ्रेंड्स, लेड एसिड बैटरी की बात मैं आपको इसलिए कर रहा हूं कि लो बजट लोगों के लिए नेक्सस ने स्पेशल बैटरी डिजाइन की है। और इस बैटरी की जो खासियत है वो ये है कि पहले 3 साल आपको फ्री वारंटी इस बैटरी पे मिलने वाली है। इसके अलावा अगले 2 साल तक आप इस बैटरी को 50% डिस्काउंट ऑन MRP पे वापस कर सकते हैं। मतलब नई बैटरी आपको लेनी है तो बैटरी की, नई बैटरी की आपको केवल 50% कीमत ही देनी है और 50% पे आपको नई बैटरी मिल जाएगी। इस तरह की वारंटी आपको इंडिया में किसी भी दूसरी C10 ट्यूबलर बैटरी पे नहीं मिलती है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इस बैटरी की प्राइसिंग भी इंडिया में सबसे कम है। तो अगर आप ट्यूबलर बैटरी के साथ जाना चाहते हैं तो नेक्सस की बैटरी आपके लिए बेस्ट विकल्प हो सकती है। ज्यादा आपको यहाँ पे वारंटी मिल जाती है और सबसे बड़ी बात इस बैटरी में यह है कि आप 150 Ah की किसी भी बैटरी के साथ में अगर वेट वाइज इसको कंपेयर करेंगे तो आपको इस बैटरी में किसी भी ट्रेडिशनल बैटरी से ज्यादा वेट मिलने वाला है। तो ज्यादा वेट का मतलब है कि ज्यादा बैकअप आपको मिलता है। तो मोस्टली 150 Ah की जो बैटरी होती है वो 400 Watt के लोड पर करीब 2 घंटे का बैकअप देती है, पर इस बैटरी में आपको बैकअप भी ज्यादा मिलता है और आपको वारंटी भी ज्यादा मिलती है। प्राइस इस बैटरी की सबसे कम है। तो चूंकि ये मैं आपको पैक बता रहा हूं तो बैटरी की सेपरेट प्राइस नहीं बता सकता। बैटरी की सेपरेट प्राइस इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि अगर बैटरी आप सेपरेटली लेंगे तो GST 28% लग जाएगी। बाकी इस पैक के अंदर बैटरी की जो GST है वो 12% ही रह जाती है क्योंकि सोलर सिस्टम के साथ में ये बैटरी हम आपको दे रहे हैं। इस बैटरी में आपको 3 मॉडल देखने को मिलते हैं। ये जो पैक बता रहा हूँ ये मैं आपको 150 Ah बैटरी के साथ में बता रहा हूँ। बाकी आप चाहें तो 165 और 200 Ah का मॉडल भी इस बैटरी में अवेलेबल है, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से 165 या 200 Ah की बैटरी भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। आगे वीडियो में इसी पैक पे मैं पूरा लोड चला के भी दिखाऊंगा आपको, AC भी चला के दिखाऊंगा और आगे इसकी आपको कीमत भी बताने वाला हूं कि कितनी कम कीमत में आपको मिलने वाला है। डेफिनेटली वीडियो आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें, कंटिन्यू आप वीडियो में बने रहिएगा। अभी तीसरी चीज आपको इस पैक में मिलती है वो है नेक्सस का AVR 2 kVA का सोलर PCU। ये 1.5 kW का सोलर PCU है और इस PCU की खासियत यह है कि ये नॉर्मल सोलर इन्वर्टर नहीं है। अभी तक जैसे आपने इन्वर्टर्स देखे हुए तो बहुत सारे इन्वर्टर्स आपको 2200 VA 2300 VA में मिल जाएंगे या 2000 VA में मिल जाएंगे, पर आपको वहां पे जो दिक्कत है वो आपको दिक्कत ये है कि वो आपको सोलर इन्वर्टर होते हैं। ये सोलर PCU है, मतलब सोलर पावर कंडीशन यूनिट है। अब ये सोलर पावर कंडीशन यूनिट का जो एडवांटेज है वो ये है कि आप इस इन्वर्टर में खुद से वोल्ट सेट कर सकते हैं कि आपकी बैटरी कितने वोल्ट तक चार्ज होनी है, एम्पियर सेट कर सकते हैं कि आपको 1 एम्पियर से बैटरी चार्ज करनी है, 2 से करनी है, 10 एम्पियर से करनी है। इसके अलावा सोलर प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हैं कि आपको पहले अपना घर का लोड जो है वो सोलर से चलाना है या बैटरी से चलाना है या आपको ग्रिड से चलाना है। तो इसकी सबसे बेहतरीन बात है वो ये है कि इस इन्वर्टर में आपको AVR फीचर मिलता है। AVR फीचर का मतलब है कि ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर इसके अंदर लगा हुआ है, जो आपके अगर किसी वजह से आपके घर पे वोल्टेज ड्रॉपिंग की समस्या रहे, आपके घर पे इस तरह के सीन है कि आपके घर पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, तो ये इन्वर्टर 30% खुद से ही आपके वोल्टेज बढ़ा सकता है। तो मतलब आपको स्टेबलाइजर का भी झंझट नहीं और बिना स्टेबलाइजर के भी आपके जो वोल्टेज हैं वो आपके रेगुलेट होते रहेंगे। 1500 वॉट का ये इन्वर्टर है तो मैक्सिमम 1500 वॉट का लोड आप इससे लिफ्ट कर सकते हैं। और अगर पैनल सपोर्ट की बात करूं तो 3 580 वॉट के पैनल भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। नॉर्मली हम लोग 1650 वॉट का पैनल सपोर्ट इसके ऊपर देते हैं, तो 1650 वॉट तक के पैनल आप इस इन्वर्टर के ऊपर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पहले मैं लाइव टेस्ट करके दिखाने वाला हूं कि इस सोलर PCU से किस तरह जो है हमारा एक एयर कंडीशनर चलेगा। तो ये देखिए, ये मैंने 2 बैटरी यहाँ पे कनेक्ट करा दी है, 24 वोल्ट की। ये 12 वोल्ट की एक बैटरी है तो 2 बैटरी हमारी हो जाती है 24 वोल्ट की। और 24 वोल्ट की बैटरी करा के आप डिस्प्ले देखें, डिस्प्ले में ये मैंने डिस्प्ले इसकी कर दी ऑन और ये हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया। प्योर साइन वेव आउटपुट आपको इस इन्वर्टर से मिलने वाला है। और सेम सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो इस सेगमेंट में इससे ज्यादा पावरफुल आपको इन्वर्टर नहीं मिलने वाला है। और खाली मतलब इसी बात से नहीं है कि पावरफुल इन्वर्टर, मतलब इस बात से भी है कि इसकी कीमत भी सबसे कम मिलने वाली है। तो आप ये देखें, मेंस के लिए यहाँ पे MCV दी हुई है और ये मैंने आउटपुट के 2 वायर यहाँ पे ये लगवा दिए हैं। और ये 2 वायर आप देखें, ये 2 वायर जो है आउटपुट के, ये मैं एक्सटेंशन वायर के थ्रू, आप देखिए मैं एक रूम के अंदर लेके जा रहा हूं, आप देखें, और
इस पे हम अपना एयर कंडीशनर टेस्ट करेंगे। तो आप ये देखिए, ये यहाँ पे एयर कंडीशनर मेरा लगा हुआ है और एयर कंडीशनर जो है हमारा यहाँ पे वर्किंग में है। तो एयर कंडीशनर के लिए ये दो प्लग हैं एयर कंडीशनर के, देखिए मैं प्लग आउट करता हूँ जैसे ही, तो ये जो एसी है मेरा बंद हो गया और आप ये देखें अब मैंने प्लग जो है अपने इन्वर्टर के आउटपुट में लगा दिए। तो ये मैंने प्लग जैसे ही इन्वर्टर के आउटपुट में लगाया मेरा एयर कंडीशनर ऑन हो गया, आप ये देखें। और इस एयर कंडीशनर को इसके मैक्सिमम पावर कंजप्शन पर मैं लगा देता हूँ, 16 पे लगा देता हूँ। चूंकि एसी अभी रिस्टार्ट हुआ है तो इसको 2 मिनट लगेंगे इसके कंप्रेशर को दोबारा से ऑन होने में। ये CF जो आप देख रहे हैं क्लीन फिल्टर का साइन है, तो मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके फिल्टर को जो है क्लीन करने की आवश्यकता है, अभी हमने कराया नहीं है। तो ये मैंने 17 पे लगा दिया, इसका मतलब यह है कि जो हमारा एसी है वो मैक्सिमम पावर कंजप्शन अब करने वाला है। और हम इन्वर्टर की डिस्प्ले में देख लेते हैं कि कितना जो है हमारा एयर कंडीशन लोड लिफ्ट करता है। ये नेक्सस का NX1X सोल अल्ट्रा मॉडल है जो कि 150 स्क्वायर फीट के लिए हम लोग बनाते हैं। और इस जो एयर कंडीशनर है इसके पावर कंजप्शन आपके कूलर के पावर कंजप्शन के लगभग बराबर हैं। तो अगर आप कूलर लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप एसी पे स्विच कर सकते हैं, क्योंकि 10 घंटे के अंदर इस एसी का पावर कंजप्शन मात्र आपको 4 यूनिट मिलने वाला है। तो मतलब 400 वाट एवरेज में 10 घंटे में इसके पावर कंजप्शन है। तो एक जबरदस्त एयर कंडीशनर भी आप लोगों के लिए हो सकता है। बाकी एसी के लिए मेरी डेडिकेटेड वीडियो मैंने कई सारी बनाई हुई है, आप मेरी वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आ जाते हैं हमारे पीसीयू की डिस्प्ले पे, और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें अपने जो पावर कंजप्शन है वो दिखाएगा कि कितने पावर कंजप्शन। मैं सीधा यहाँ पे बैटरी से चला रहा हूँ इसको, ग्रिड सपोर्ट हमने नहीं दिया, पैनल सपोर्ट नहीं दिया है। तो अगले 2 मिनट के अंदर इसका कंप्रेशर ऑन हो जाएगा तो पावर कनेक्शन हम देखेंगे कि कितना पावर कनेक्शन ये करता है। तो अब इस पैक की मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूं। तो इस पैक की प्राइसिंग है 92,500 रुपए, 92,500 रुपीज इंक्लूडिंग GST, ट्रांसपोर्ट चार्ज एक्स्ट्रा है। और 92,500 रुपए में आपको ये सुपर पैक मिलने वाला है। रही बात इंस्टॉलेशन की, तो इसके इंस्टॉलेशन में बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप हमें कॉल करेंगे तो हम आपको 5 मिनट के अंदर इस सिस्टम को इंस्टॉल करना बता देंगे कि किस तरीके से आपको ये सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो खुद से भी आप ये सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा पैसा खर्च मत कीजिएगा इंस्टॉलेशन के नाम पे। आज की रेट में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। तो अब आपको ये पैक कहाँ से बाई करना है, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको डीलर लोकेटर मिलता है, डीलर लोकेटर में आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के कौन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे। आप कंपनी के ऑथराइज डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से ये वाला पैकेज बाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास में कोई कंपनी के ऑथराइज डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आप सीधा कंपनी से भी बाई कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे इस तरह की भी बातें सुनी है कि बहुत सारे लोग जो नेक्सस के ऑथराइज डीलर नहीं है वो लोग नेक्सस का डुप्लीकेट माल बेच रहे हैं। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा भी डीलर की जेन्युइनिटी जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट जरूर चेक करें। वेबसाइट पे आप अपना पिन कोड डालें, आपके नियर में अगर कंपनी की वेबसाइट पे डीलर शो हो रहा है तो वो कंपनी का अधिकृत डीलर है। बाकी सुनने में भी आया है कि बहुत सारे लोग जो है वो नेक्सस का फर्जी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आप जरूर सावधान रहें। फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आप ऐसा नहीं है कि घर के सारे लोड एक साथ इस पर चला सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अधिकतम इस इन्वर्टर की क्षमता जो है वो 1500 वाट है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1300 वाट से ज्यादा का लोड इस पे ना चलाएं। बाकी किसी भी सिस्टम को अगर आप उसकी मैक्सिमम क्षमता पर चलाते हैं तो डेफिनेटली आपके सिस्टम के खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं 10 एम्पियर का हमारा डिस्चार्ज लोड आ गया और सिस्टम जो है हमारा वो प्रोटेक्शन दिखा रहा है कि आप हैवी लोड इस पे चला रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बहुत हैवी लोड इस पे ना चलाएं, मतलब 1200-1300 वाट तक का अधिकतम आप लोड चला सकते हैं। बाकी समरसेबल ना, कुछ लोगों के समरसेबल इस तरह के भी होते हैं कि जो समरसेबल जो है, अगर एसी साइड की मैं बात करूं तो 6.5 एम्पियर तक का ये जो पीसीयू है लोड लिफ्ट कर सकता है। तो आप एश्योर कर लें, इस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आप ये एश्योर कर लें कि अगर आपका समरसेबल 6.5 एम्पियर से ज्यादा नहीं लेता है तो फिर ये जो पीसीयू है ये आपका समरसेबल चला देगा। अगर इससे ज्यादा आपका जो पीसीयू है वो लोड लेता है तो फिर ये आप मॉडल ना लेके फिर इसका 3 kV वाला सिस्टम आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।